स्टडी आईक्यू आईएएस, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। आज हम लोग एक बहुत ही जरूरी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। हमारी चर्चा होने वाली है अबाउट स्पोर्ट्स इन इंडिया, स्पोर्ट्स गवर्नेंस इन इंडिया के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। आप यहां पे खबर देख सकते हो, फीफा सस्पेंड्स AIFF। फीफा जो वर्ल्ड गवर्निंग बॉडी है, वर्ल्ड रेगुलेटिंग बॉडी है फॉर फुटबॉल, उन्होंने इंडिया की जो फेडरेशन है, द प्रीमियर फेडरेशन, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, उन्हें सस्पेंड किया है। लेट मी गिव यू एन एनालिसिस ताकि आप और भी आसानी से अंडरस्टैंड कर पाओगे, क्योंकि क्रिकेट इज लाइक अ रिलीजन इन इंडिया। समझ लीजिए कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने BCCI को सस्पेंड किया, कुछ इस तरह की खबर समझ लीजिए। दिस इज नॉट हैपन्ड बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू, फीफा ने सस्पेंड किया है AIFF को। तो हम लोग इस डिस्कशन में समझेंगे कि ये क्यों हुआ, व्हाई डिड दे सस्पेंड। अब इस सस्पेंशन की वजह से क्या होगा, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। एक आप खबर यहां पे देख सकते हो, इंडिया में भी स्ट्रिप्ड ऑफ अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप होस्टिंग राइट्स, यानी कि भारत में अक्टूबर 2022 में अंडर 17 महिलाओं का वर्ल्ड कप होने वाला था, उसके ऊपर भी एक प्रश्न चिन्ह आ चुका है। इसके अलावा इन जनरल क्या इम्पैक्ट होगा, सबसे बड़ा इम्पैक्ट इन एडमिनिस्ट्रेटर्स के ऊपर तो नहीं होगा, जो फेडरेशन है उनके ऊपर ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन मैं कहूँगा एथलीट्स के ऊपर, फुटबॉलर्स के ऊपर सबसे बड़ा इम्पैक्ट है, बिकॉज राइट नाउ दे आर सस्पेंडेड। इसके अलावा ये सस्पेंशन कब तक चलेगा, सस्पेंशन कैसे हट सकता है, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम लोग ये भी बात करेंगे, क्या फीफा ने केवल इंडिया के खिलाफ एक्शन लिया है, क्या पहले फीफा ने इंडिया के खिलाफ एक्शन लिया है, किसी दूसरे देश के खिलाफ एक्शन लिया है इन्हीं चीज़ों के लिए, ये भी हम लोग बात करेंगे। और डिस्कशन के अंत में हम लोग इन जनरल इंडिया में स्पोर्ट्स मिस गवर्नेंस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। क्या ये केवल फुटबॉल के साथ प्रॉब्लम चल रही है इंडिया में, या फिर कोई दूसरे स्पोर्ट भी है। आपको याद होगा कुछ सालों पहले BCCI को क्लीनअप करने के लिए, BCCI की गवर्नेंस को क्लीनअप करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर सेटअप की थी, राइट, लोधा कमेटी। तो वैसे ही क्या दूसरे भी स्पोर्ट्स हैं जहां पे क्लीनअप की जरूरत है, स्पोर्ट्स मिस गवर्नेंस इंडिया में इतना ज्यादा क्यों होता है, और कुछ सॉल्यूशंस के बारे में बात जरूर करेंगे। इस डिस्कशन के अंत में मैं कुछ सुझाव दूंगा जो आप इस्तेमाल कर सकते हो इन योर आंसर राइटिंग। देखिए, इस तरह के सवाल आ सकते हैं गवर्नेंस में, स्पोर्ट्स गवर्नेंस एथिक्स में आ सकते हैं, स्पोर्ट्स एथिकल गवर्नेंस, एथिक्स इन स्पोर्ट्स, इनसे जुड़े हुए सवाल आ सकते हैं, तो आपको काफी अच्छा फॉर्डर मिलेगा इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो चलिए समझते हैं व्हाई द फीफा हैज सस्पेंडेड AIFF, लेट अस बिगिन द डिस्कशन। लेकिन उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं UPSC सिविल सर्विसेज की, तो ध्यान रखिएगा हमारा लाइव फाउंडेशन बैच शुरू हो रहा है 22 अगस्त 2022 को। जल्द से जल्द एनरोल कीजिएगा एंड डू नॉट फॉरगेट टू यूज द कोड राहुल लाइव टू गेट ह्यूज डिस्काउंट। चलिए चर्चा करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, फीफा ने सस्पेंड किया है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को। इस तरह का एक प्रेस रिलीज आया, एक स्टेटमेंट आया, ये फीफा का कंप्लीट स्टेटमेंट है। इन्होंने बताया कि वाई दे हैव सस्पेंडेड ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। अब सबसे पहले फीफा क्या है, व्हाट इज फीफा, तो कई बार इसके ऊपर भी MCQs आ सकते हैं। क्वाइट श्योर कि जो फुटबॉल के फैंस हैं दे नो अबाउट फीफा। फीफा स्टैंड्स फॉर फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, राइट, फ्रेंच टर्म है दिस वन, राइट। सो फीफा इज द वर्ल्ड गवर्निंग बॉडी, जैसे क्रिकेट में ICC है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, वैसे फुटबॉल के लिए फीफा है। ये एक इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी है, नॉट जस्ट फॉर फुटबॉल, आपको ध्यान रखना है, एसोसिएशन फुटबॉल, नेशन फुटबॉल ये तो है ही है, इसके अलावा बीच फुटबॉल एज वेल एज फुटसाल, फुटसाल जो छोटे ग्राउंड में खेला जाता है, जैसे गली फुटबॉल समझ सकते हैं, उसको भी रेगुलेट करते हैं ये। कब इसकी शुरुआत हुई थी, 1904 में, टू ओवरसी द इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन, द इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन, द लीग्स एटसेट्रा, जो भी यहाँ पे एसोसिएशन रहेंगे। अब आपको ध्यान देना है कि UN में 193 देश है, लेकिन फुटबॉल खेलने वाले एसोसिएशन 200 से भी ज्यादा आपको मिलेंगे जो फीफा के मेंबर्स हैं। फीफा इज हेडक्वार्टर्ड एट ज्यूरिक इन स्विट्जरलैंड, तो ये रेगुलेट करते हैं फुटबॉल। जैसे फीफा बॉडी है एट द इंटरनेशनल लेवल, इंडिया में AIFF है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, जिन्हें अभी सस्पेंड किया गया, राइट। अब सवाल ये उठता है कि फीफा ने ये एक्शन ली क्यों, ट्रबल क्यों शुरू हुआ, व्हाट वाज द प्रॉब्लम एग्जैक्टली। देखिए, जो करंट सेट ऑफ ट्रबल्स है, प्रॉब्लम्स है, वो शुरू हुई विद रिस्पेक्ट टू AIFF गवर्नेंस। अब AIFF के जो प्रेसिडेंट थे पहले प्रफुल्ल पटेल, वो फीफा के काउंसिल मेंबर भी है। इन्होंने COVID-19 के बाद इन्होंने अपना पद जो है, प्रेसिडेंट ऑफ AIFF थे वो, उन्होंने उस पद से हटने से, यानी कि ही रिफ्यूज टू रिलिंक्विश द पोस्ट। इलेक्शन कंडक्ट होने थे AIFF के, वो नहीं हुए। अब इसके चलते क्या हुआ, प्रफुल्ल पटेल ने एक एक्सक्यूज दिया कि COVID-19 पैंडेमिक के चलते वो अभी प्रेसिडेंटशिप से रिजाइन नहीं कर रहे हैं। तो इसके बाद एक कोर्ट में केस चला, लंबा एक लॉन्ग ड्रॉन बैटल चला 2020 से ही। इवेंचुअली
18 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन करते हुए प्रफुल्ल पटेल को प्रेसिडेंट ऑफ AIFF पोस्ट से हटा दिया, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर सेटअप की। जैसे BCCI के लिए लोधा कमेटी थी, वैसे ही अभी AIFF के लिए इन्होंने एक कोर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर सेटअप कर दिया, यानी कि AIFF को रन करने के लिए, AIFF को क्लीनअप करने के लिए, AIFF का नया संविधान बनाने के लिए कोर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स आए। और जब से ये कोर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स आए हैं, तब से काफ़ी कंटेंशियस रिलेशनशिप रहा है AIFF का, जो भी वर्किंग जनरल सेक्रेटरी है उनका, कोर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स का, कोर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स का और फीफा का। अब देखिए, कोर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर तो सेटअप हुई थी मई 18 2022 को, तो क्यों ना उसी दिन फीफा ने बैन क्यों नहीं लगाया, यानी कि मई 2022 में बैन क्यों नहीं लगाया। देखिए, मैंने कहा कि अब से जब से कोर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर आई है, तब से काफ़ी कंटेंशियस रिलेशनशिप चल रही है कोर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर के और फीफा के भी। फीफा ने इनिशियली स्टॉक लिया इस पर्टिकुलर केस का, यानी कि फीफा ने कोशिश की कि कोर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स के साथ काम करे, लेकिन दूरियां कुछ इस तरह की बढ़ने लगी जहां पे रिकंसिलिएशन का कोई चांस नहीं बचा। कोर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर ने कुछ स्वीपिंग चेंजेस लाए, स्पेशली AIFF कॉन्स्टिट्यूशन को ही। यहाँ पे इन्होंने एग्जीक्यूटिव कमिटी जो होती है, यानी कि AIFF की जो मेन डिसीजन मेकिंग कमिटी है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है, उसमें पहले 35 मेंबर हुआ करते थे, 35 स्टेट एसोसिएशन है, अलग अलग स्टेट एसोसिएशन है, उसे ही बदल दिया। एग्जीक्यूटिव कमेटी का जो सेटअप था उसे बदला, स्टेट एसोसिएशंस को तो 35 वोट दिए ही दे, 35 स्टेट एसोसिएशन को 35 वोट, इसके अलावा 35 स्पोर्ट्स पर्सन यानी कि 35 फुटबॉलर्स को भी यहां पे इंक्लूड किया। अब इसके ऊपर काफ़ी दिनों तक नेगोशिएशन चल रही थी, ऑल दो फीफा ने कहा था कि दिस नंबर कैन बी रिड्यूस टू 25 नंबर, यानी कि थोड़ा सा कम किया जा सकता है, लेकिन ये बदलाव आ चुके। इसके अलावा कोर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर ने कुछ और भी चेंजेस किए, इन्होंने वर्डिंग्स बदली इंडिया की टॉप लीग की। आप जानते हैं कि इंडिया में जो फुटबॉल लीग होती है, एक होती है आई लीग, दूसरी होती है ISL। अब कई सालों से इसके ऊपर भी चर्चा है कि इंडिया की टॉप लीग कौन सी है। देखिए, अगर आप फुटबॉल को फॉलो करते हैं तो आपने देखा होगा जिस किसी देश की भी जो लीग चलती है, जैसे अभी इंग्लिश प्रीमियर लीग है, EPL इज द टॉप लीग इन इंग्लैंड। अब उसके जो नीचे एक सेकेंड डिविजन लीग चलते हैं, यानी कि जो भी EPL में खराब परफॉर्म करता है उसे रेलीगेट करके दूसरी सेकेंड डिवीजन लीग में भेजाता है। तो इंडिया में ये लीग टॉप है या ये लीग टॉप है, इसके ऊपर एक डिबेट ही छिड़ चुका था। फाइनली 2018 में इट वॉज अग्रीड दैट ISL इंडियन सुपर लीग वुड बी द टॉप लीग, लेकिन अभी कोर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर ने कुछ इस तरह के बदलाव लाए हैं जहां पे फिर से ये डिबेट शुरू हो जाएगा कि आई लीग बड़ा है या फिर ISL बड़ा है। तो इन कंटेंशियस इश्यूज के ऊपर फीफा और कोर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बीच एक दरार पड़ गई, और इवेंचुअली अभी फीफा ने सस्पेंड कर दिया AIFF को, क्योंकि यहां पे थर्ड पार्टी इंटरवेंशन हो रही। थर्ड पार्टी कौन है? कोर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स इज अ थर्ड पार्टी। तो फीफा ने यह कहा है कि AIFF इंडिपेंडेंटली काम करना चाहिए, यहां पे थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, यानी कि जुडिशियरी की इंटरफेरेंस की कोई जरूरत नहीं है, इसके चलते इन्होंने सस्पेंड किया हुआ है। अब सवाल ये उठता है, सस्पेंड तो हो गए, AIFF को सस्पेंड कर दिया गया, तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा? What is going to be the impact of this decision? देखिए, इम्पैक्ट फेडरेशन के ऊपर तो है, क्योंकि फेडरेशन की वर्किंग हैज बीन सस्पेंडेड। जब तक जो भी इश्यूज रिजॉल्व नहीं होंगे तब तक दे विल रिमेन सस्पेंडेड। लेकिन सबसे बड़ा खतरा तो यहाँ पे आ चुका है एथलीट्स को, फुटबॉलर्स को। हमारे फुटबॉलर सस्पेंड हो चुके हैं, जो नेशनल टीम है हमारी, नेशनल टीम विल नॉट बी अलाउड टू प्ले एनी इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स। इंडिया के जो फुटबॉल क्लब्स हैं उन्हें भी अभी इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करने दिया नहीं जाएगा, यानी कि जब तक सस्पेंशन है तब तक फुटबॉल क्लब्स भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। इनफैक्ट हमारा एक फुटबॉल क्लब है, गोकुलम केरला फुटबॉल क्लब, जो ऑलरेडी उज़्बेकिस्तान में है टू प्ले द AFC वुमेन्स क्लब चैंपियनशिप, एंड दे हैव बीन ग्राउंडेड। इसके अलावा जो इंडियन फुटबॉल क्लब्स है, जैसे ISL हो गया, आई लीग हो गया, उसके अंदर हम लोग फॉरेन प्लेयर्स को साइन करते हैं, कई सारे फॉरेन प्लेयर्स भी खेलते हैं, तो अभी वी विल नॉट बी अलाउड टू साइन द फॉरेन प्लेयर्स। इसके अलावा सबसे बड़ा खतरा है जो हमारा होस्टिंग राइट्स मिले हैं हमें U17 वुमेन्स फुटबॉल वर्ल्ड कप को होस्ट करने के अक्टूबर 2022 में, उसके ऊपर भी खतरा आ चुका है। इनफैक्ट फीफा ने ये कहा है कि इट कैन नॉट बी कंडक्टेड, अगर आप सस्पेंड रहोगे तो इट कैन नॉट बी कंडक्टेड। तो ये है अभी फिलहाल इफेक्ट ऑफ द बैन, वी विल बी बेसिकली पराया इन द फुटबॉल वर्ल्ड। अब सवाल ये उठता है कि बैन कब एंड होगा? क्या बैन किसी स्टिपुलेटेड टाइम के लिए किया है? नहीं, दिस इज द इनडेफिनेट बैन। लेकिन बैन हटेगा, इसके लिए फीफा ने एक लेटर से भेजा है टू द एक्टिंग जनरल सेक्रेटरी ऑफ AIFF, जहां पे उन्होंने कुछ कंडीशंस रखी है।
कंडीशन क्या है कि पहला जो मैंडेट है कोर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स का उसे रिपील किया जाए, जो भी कोर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स ने बदलाव लाए हैं उसे हटाया जाए। इसके अलावा AIFF की, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कंप्लीटली AIFF के साथ हो, कोर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स की दखलअंदाजी नहीं होनी चाहिए। यानी कि बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं व्हाट इज द प्रॉब्लम राइट नाउ, द प्रॉब्लम इज FIFA versus the Supreme Court of India. That it's in plain simple language, this is the problem. FIFA कहता है कि third party की interference नहीं होनी चाहिए, इन्हें दखलअंदाजी नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा AIFF जो constitution नया बनेगा जहाँ पे बदलाव आ रहा है, तो AIFF की constitution should be on terms of FIFA and AFC, ये बताया है FIFA ने। तो अगर ये सारी चीज़ें, if these conditions are met, then AIFF की सस्पेंशन खत्म हो सकती है, ये फीफा ने कहा। और ये अब ये कब होगा ये तो आने वाला समय ही बताए, क्योंकि यहाँ पे इंडियन जुडिशरी भी इस कोर्ट को हियर कर रही है, इसकी सुनवाई अभी चल रही है, द मैटर इज सब जुडिस। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टेटमेंट दिया था जहाँ पे उन्होंने ये कहा कि जो अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप है उसकी होस्टिंग राइट्स इंडिया से नहीं छीननी चाहिए या फिर नहीं गंवानी चाहिए, इसके प्रति सरकार को AIFF को देखना चाहिए कि दी टूर्नामेंट इट प्रोसीड्स। बट लेट अस सी व्हाट हैपेंस, आने वाले समय अगर बैन हटेगा या नहीं हटेगा तो आने वाला समय ही बताएगा, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई ही बताएगी क्या होगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या केवल इंडिया के ऊपर ये बैन लगा है? देखिए इंडिया के ऊपर तो फर्स्ट टाइम ये बैन लगा है फीफा ने, लेकिन कई सारे दूसरे देशों के ऊपर ये बैन लग चुके हैं, जैसे कि इराक में 2008 में इसके ऊपर बैन लगा था, इनका जो स्पोर्ट्स फेडरेशन था नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन, इसको बदला गया था तो उसके बाद बैन हुआ। नाइजीरिया के ऊपर 2014 में लगा था, कुवैत इंडोनेशिया दोनों देशों को 2015 में फीफा ने सस्पेंड किया था। वाई? प्योरली बिकॉज ऑफ द ग्राउंड ऑफ इंटरफेरेंस, यानी कि थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस हो रही है उनकी फेडरेशन बॉडी में, इसके चलते उन्हें सस्पेंड किया गया था। ग्वाटेमाला को 2016 में, पाकिस्तान को दो बार 2017-2021 दो बार पाकिस्तान बैन हो चुका है फिर सस्पेंड हो चुका है फीफा से। केनिया 2022 में केनिया को भी सस्पेंड किया हुआ था। तो इट्स नॉट जस्ट इंडिया, बट जिस किसी फेडरेशन में, जिस किसी देश की जो फेडरेशन होती है या फिर उनकी जो गवर्निंग बॉडी होती है उसके अंदर अगर दखल अंदाजी हो तो वो सस्पेंड हो जाते हैं। तो ये था पूरा विवाद फीफा सस्पेंडिंग AIFF के बारे में। यानी कि फीफा की खबर ये है कि अभी फिलहाल AIFF हैज बीन सस्पेंडेड, कब तक सस्पेंडेड वी डू नॉट नो, अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी तो फीफा शायद बैन को हटाएगा। लेकिन अब एक बड़े सवाल के ऊपर डिस्कशन करते हैं। बड़ा सवाल ये है कि इज इट जस्ट फुटबॉल, क्या ये केवल फुटबॉल के साथ हो रहा है? एक्चुअली नहीं, इंडिया में देखिए फुटबॉल की बॉडी को तो अभी सस्पेंड किया गया, लेकिन केवल फुटबॉल नहीं है, दूसरे बहुत सारे स्पोर्ट्स में भी ये प्रॉब्लम चल रही है। दैट मींस इन इंडिया देयर इज एन ओवरऑल स्पोर्ट्स मिस गवर्नेंस गोइंग ऑन। हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, जो अगेन रेगुलेटिंग बॉडी है ओलंपिक एसोसिएशन IOA, जो क्लोजली काम करती है IOC के साथ, यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी इज दी वर्ल्ड रेगुलेटर और उसके नीचे IOA इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इस ओलंपिक एसोसिएशन को भी रन करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने एक कोर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स सेटअप की है। यानी कि दिल्ली हाईकोर्ट का ये मानना है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में भी गवर्नेंस के इश्यूज चल रहे हैं, यहाँ पे भी रिफॉर्म आने की जरूरत है, और रिफॉर्म्स लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी खुद की एक कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर सेटअप की हुई, नॉट जस्ट फॉर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। इनफैक्ट IOA तो फिफ्थ ऐसी बॉडी है, फुटबॉल मैंने आपको ऑलरेडी बताया, फुटबॉल के अलावा हॉकी फेडरेशन में भी कोर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स है ऑलरेडी, जूडो में, टेबल टेनिस फेडरेशन में भी कोर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स है। तो अभी फिलहाल एज ऑफ टुडे देर आर 5 स्पोर्ट्स फेडरेशंस, 5 स्पोर्ट्स एसोसिएशंस जहां पे कोर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स आर एक्चुअली रूलिंग और एक्चुअली गवर्निंग दोज फेडरेशंस, उन्हें रिफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसमें से दो जो मेंबर्स हैं, एक है रिटायर्ड जस्टिस अनिल दवे और दूसरे हैं एक्स चीफ इलेक्शन कमिश्नर SY कुरेशी, ये 3 कोर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स या फिर 3 सॉरी कोर्ट नहीं कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स के भाग है, फुटबॉल हॉकी और IOA तीनों कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स में ये शामिल है। तो अगर मैंने कोर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर कहा है तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड इट इज एक्चुअली कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स, पार्डन दैट स्लिप ऑफ टंग, राइट? तो प्रॉब्लम इज एक्चुअली गोइंग ऑन इन मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस, मल्टीपल एसोसिएशंस। ये क्यों हो रहा है, ये लाता है हमें आज के बिग क्वेश्चन के। व्हाट इज द बिग क्वेश्चन? व्हाई स्पोर्ट्स गवर्नेंस इन मल्टीपल स्पोर्ट्स इन इंडिया इज कॉट इन अ जैम, एंड इट इज नॉट जस्ट कॉट इन अ जैम। एक तरफ है एसोसिएशन, ये फुटबॉल की एसोसिएशन, प्रफुल पटेल जिनका नाम मैंने बताया था, दिस इज प्रफुल पटेल पॉलिटिशियन है, इन्होंने मना किया था कि वो AIFF की प्रेसिडेंटशिप से हटेंगे, COVID-19 का बहाना दिया था, इसके अलावा दूसरे भी रीजंस थे। एक तरफ है एसोसिएशन, दूसरी तरफ है सुप्रीम कोर्ट, and not just in one sports, it is happening in multiple sports. ये क्यों हो रहा है, हम लोगों ने पहले BCCI के साथ देखा है।
ये क्यों होता है? क्योंकि स्पोर्ट्स में जनरली अब ये माना जाता है कि स्पोर्ट्स रिलेटेड जो बॉडीज होती है दे शुड बी इंडिपेंडेंट, दे शुड बी ऑटोनमस, लेकिन उनकी जो गवर्नेंस होनी चाहिए दैट शुड बी गवर्न अकॉर्डिंग टू देयर कॉन्स्टिट्यूशन विच शुड बी सेट, जहाँ पे रेगुलर इलेक्शंस होनी चाहिए. अगर कोई पॉलिटिशियन वहाँ पे जा रहा है या फिर कोई जिसे एक और टर्म मिल रहा है, कोई एज लिमिट होनी चाहिए. आपने देखा होगा 70-75 साल के लोग हैं जो प्रेसिडेंट हैं, कई सालों से प्रेसिडेंट्स हैं, मल्टीपल टर्म्स लिए हुए हैं, यानी कि अपना दबदबा उस एसोसिएशन में बना के रखे हुए हैं. ये इस तरह की गवर्नेंस की प्रॉब्लम्स है इंडियन एसोसिएशंस में इन जनरल. और इसके चलते हम लोगों ने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सी जगहों पे कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स सेटअप की हुई है. अब सवाल ये उठता है, शुड सुप्रीम कोर्ट डू दिस? ये भी सवाल आता है जुडिशियरी के दृष्टिकोण से, क्या जुडिशियरी का रोल है कि वो खुद ही गवर्नेंस में चले जाए? अब देखिए, दिस इज लाइक एन एक्सट्रीम स्टेप, आई वुड से दिस इज सम सॉर्ट ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म, जहां पे रिफॉर्म करने के लिए एसोसिएशन को मौके दिए गए लेकिन इस एसोसिएशन ने खुद को रिफॉर्म नहीं किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो मुद्दा है, जो इश्यू है, अपने हाथों में ले लिया. ये पहले हम लोगों ने देखा है लोधा कमेटी के साथ, अभी मल्टीपल कमेटीज तो चली रहे. बट शुड इट बी द नॉर्म? क्या ये नॉर्म होना चाहिए? क्योंकि इसी के चलते अभी फीफा ने बैन किया है, और शायद आगे चल के देखिए एक ऑलरेडी सस्पेंशन की एक धमकी भी आ चुकी है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी से भी, कि अगर कोर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स दखलंदाजी करेंगे आईओए में देन यू माइट बी सस्पेंडेड. द सेम फेट इज ऑल्सो वेटिंग फॉर हॉकी, जूडो, टेबल टेनिस, जहां पे थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस को चैलेंज कर रहे हैं जो दूसरी वर्ल्ड गवर्निंग बॉडीज. अगर ऐसा ही चलता रहा तो सबसे बड़ा नुकसान होगा किसका? हमारे एथलीट्स का, हमारे स्पोर्ट्स पर्सन का, जो शिद्दत से, डेडिकेशन से अपनी प्रैक्टिस करते हैं ताकि कॉम्पिटिशन्स विन हो, देश का नाम रोशन करें. बट अगेन, इफ दे आर नॉट एबल टू प्ले एट ऑल, हाउ विल दे कॉन्ट्रीब्यूट? इसके प्रति क्या किया जा सकता है? शुड सुप्रीम कोर्ट सेटअप दीज कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स, और वट कुड बी अ सोल्यूशन? देखिए, एक पोटेंशियल सोल्यूशन हो सकता है एक स्पोर्ट्स कोड. ऑलरेडी इसके ऊपर चर्चा चल रही है, 2011 में एक स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड था, इसको बदलने की या फिर इसकी इंप्रूवमेंट लाने के लिए ड्राफ्ट नेशनल कोड ऑफ गुड गवर्नेंस इन स्पोर्ट्स 2017 ऑलरेडी पेंडिंग है. पिछले 4-5 सालों से इसके ऊपर अभी भी चर्चा चली रही है. ये ड्राफ्ट का ड्राफ्ट ही पड़ा हुआ है क्योंकि यहाँ पे कंसेंसस नहीं बिल्ड हो रही है किस चीज़ के ऊपर. अगर हम लोग गवर्नेंस की बात करें, देखिए स्पोर्ट्स गवर्नेंस में कई बार पॉलिटिशियंस आ जाते हैं और उन पॉलिटिशियंस को स्पोर्ट्स से लेना देना कुछ नहीं है, क्योंकि दे आर लुकिंग फॉर पोस्ट, दे आर लुकिंग फॉर पावर, दे आर लुकिंग फॉर मनी, राइट? लेकिन अगर पॉलिटिशियंस के बदले स्पोर्ट्स पर्सन ही हो तो उसी पैशन से वो फेडरेशन को आगे लेकर जा सकते हैं. तो सवाल ये है, पॉलिटिशियंस को बैन करे या ना करे, राइट? ये कोड बैन करता है, इसके ऊपर कंसेंसस अभी तक डेवलप नहीं हुआ है. इसके अलावा एज लिमिट क्या होनी चाहिए? अगर कमिटी है, कमिटी का साइज क्या होना चाहिए? अगर प्रेसिडेंटशिप है, प्रेसिडेंटशिप की टर्म लिमिट क्या होनी चाहिए? क्या एक इंसान केवल 2 टर्म के लिए, फिर 3 टर्म के लिए फेडरेशन या फिर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट रहे? या फिर कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए क्या, कि अगर एक व्यक्ति मेंबर से प्रेसिडेंट बनाए, सेकंड प्रेसिडेंटशिप से पहले कोई कूलिंग ऑफ पीरियड चाहिए क्या? पॉलिटिशियंस अगर इस एसोसिएशन में आना चाहते हैं, क्या कोई कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए? कितनी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए एसोसिएशन की? किस समय पे इलेक्शन होने चाहिए? कैसे इलेक्शन होने चाहिए? इन सारी चीज़ों की क्लैरिटी चाहिए. और इस लैक ऑफ कंसेंसस, लैक ऑफ क्लैरिटी की वजह से ही अभी तक ये जो हमारा नेशनल कोड है फॉर गुड गवर्नेंस इन स्पोर्ट्स नहीं आया. अगर इस तरह का कोड आएगा और इस कोड को फर्स्ट ऑफ ऑल इन लेटर एंड इन स्पिरिट सभी एसोसिएशन, सभी फेडरेशन फॉलो करेंगे, देन इट वुड क्लेंस द मलेज दैट इज ऑलरेडी देयर इन द स्पोर्ट्स मिस एडमिनिस्ट्रेशन. अब इसके प्रति मैं जाने से पहले एक छोटा सा आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा, व्हाट इज द इंटरनेशनल एक्सपीरियंस. देखिए, मैं हमेशा इंटरनेशनल एक्सपीरियंस की बात करता हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि वी आर सिंपली कॉपिंग देम. इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, जहां से भी कुछ अच्छी चीज मिल रही है, अच्छी सीख मिल रही है, उससे सीखना चाहिए और उसे अपनी चीजों के अनुसार, यानी कि अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार हम लोग मोल्ड कर सकते हैं. एक बहुत ही अच्छा डॉक्यूमेंट है, आप इसको रेफर कर सकते हैं अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं. गो थ्रू दिस डॉक्यूमेंट, हार्डली 20-22 पेज का डॉक्यूमेंट है. ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का, ऑस्ट्रेलियन स्पोर्ट्स कमीशन का स्पोर्ट्स गवर्नेंस प्रिंसिपल जो मार्च 2012 में आए थे. दीज प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन ओनली 6 things. फर्स्ट इज बोर्ड कंपोजिशन, क्लैरिटी दी गई है कि किसी भी स्पोर्ट की बोर्ड बनेगी, क्रिकेट की बोर्ड हो, फुटबॉल की बोर्ड हो, हॉकी की बोर्ड हो, किसी भी स्पोर्ट की बोर्ड बनेगी, उस बोर्ड की ब्रॉड कंपोजिशन, रोल्स एंड पावर्स डिफाइन किए गए, बोर्ड की प्रोसेस, गवर्नेंस सिस्टम, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बोर्ड रिपोर्टिंग एंड परफॉर्मेंस, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप एंड रिपोर्टिंग, एंड एथिकल एंड रिस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकिंग प्रिंसिपल 4, 5, 6 आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. यानी कि ऑस्ट्रेलिया की स्पोर्ट्स गवर्नेंस प्रिंसिपल्स में
ऑटोनॉमी तो दी गई है, पॉलिटिशियंस भी यहाँ पे इंक्लूड हो सकते हैं, लेकिन इतने सारे चेक्स एंड बैलेंसेस यहाँ पे दिए गए हैं कि फेडरेशन इट वर्क्स विथ ट्रांसपेरेंसी, इट वर्क्स विथ अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि कंटिन्यूस रिपोर्टिंग होती है परफॉर्मेंस की, कंटिन्यूस ऑडिट होती है, जो स्पोर्ट्स पर्सन इन्वॉल्व है उनकी भी रिप्रेजेंटेशन होती है, उन्हें भी जवाब देना पड़ता है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हैं जिसको हम लोग जिसका अनुसरण कर सकते हैं, जिसको हम लोग अपने स्पोर्ट्स कोड में ला सकते हैं। आशा करते हैं कि ये स्पोर्ट्स कोड ऑन गुड गवर्नेंस इन स्पोर्ट्स जल्दी से बने, ताकि जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है हमारे फेडरेशन में, बहुत हद तक उसको हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं। और आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, दी फेडरेशन दी एसोसिएशन दे हैव टू बी ऑटोनोमस, दे हैव टू बी फ्री फ्रॉम द इंटरफेरेंस। इसीलिए अभी फिलहाल फीफा ने सस्पेंड किया हुआ है, लेट्स वेट एंड वॉच कि वो सस्पेंशन कब हटेगा। जब भी हटेगा तो हम लोग उसके ऊपर फिर से चर्चा जरूर करेंगे। बट दैट इज इट राइट नाउ इन दिस पर्टिकुलर डिस्कशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।